कि हमने हर फोरम यूज किया, हर जगह गए, हम अपने 100 जनाजों के साथ बैठे हैं इसी शहर में, उस ठंड में जो फरवरी का ठंड है क्वेटा का, वहाँ बैठे, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फेल हो चुकी है, क्योंकि जो हमारे नाम पे आने वाला बजट है, हमारे लाशों से तो फ़ायदा है ना, जंग तो फ़ायदेमंद कारोबार है, ये कोई चाहता ही नहीं है इसको ख़त्म करें। जब भी बजट आना होता है, इलेक्शन आने होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, कोलिशंस फंड आते हैं, तो हम बेचारे कुर्बानी के बकरे होते हैं। इसलिए क्वेटा में शायद इतने दुम्बे ज़िबा नहीं हुए जितने हज़ारे कत्ल हुए। तो मैं अपने भाइयों के ज़िंदगी के लिए यहाँ बैठी हूँ और तादा में मर्ग बैठी हूँ। यहाँ डिमांड ये है कि जनरल कमर बाजवा साहब जो है वो यूनिफॉर्म में ना आए, आम आदमी बन के एक बार क्वेटा आए। सोचे वो क्वेटावाल है, सोचे वो हज़ारा है, सोचे वो पश्तून है, सोचे वो बलोच है, एक मिनट के लिए एक इमेजिनेशन ले, बग़ैर यूनिफॉर्म के आए। मैं इसको इस शहर के हर चेक पोस्ट, हर मोहल्ले, हर गली कूचे में रिक्शे पे ले जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि यहाँ के लोग कैसा सफ़र करते हैं। हमारा 3,000 बेवा औरतें हैं, उनसे मिलें और हमारे एक सवाल का जवाब दें कि जो 20 सालों से हम कत्ल हो रहे हैं उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसके पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है और हमें क्यों कत्ल किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान कहाँ चला गया, नेक्टा का क्या स्टेटस था, क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का क्या हुआ, ये सब मैं बाजवा साहब से, वो भी बच्चों के बाप है, वो सिर्फ एक मिनट उस बच्चे का चीख सुने, अगर उसका दिल पत्थर का नहीं हुआ और इंसान का दिल था, तो मैं यकीन से कहती हूँ वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आएंगे और हमारे माओं से मिलेंगे।